उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बेहद चौंकाने वाला मामला आया है। मामला बुलंदशहर के जागराबाद कोतवाली क्षेत्र के जलीलपुर गांव का है। आपको बता दें, मामली कहा सुनी में पत्नी ने की आत्महत्या, पति ने भी खाया जहर। पति के शराब का सेवन करने पर पति पत्नी में हुई थी मामली कहा सुनी। कहा सुनी के बाद पत्नी ने फांसी के फंदे पर झूल कर की आत्महत्या, पति ने भी खाया जहर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचायतनामे की कार्रवाई करते हुए मृतक पत्नी के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पति की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। 6 महीने पहले हुई थी नरसेना निवासी पूजा की जलीलपुर निवासी राहुल से शादी। पुलिस का दावा मायके के पक्ष से अभी कोई हमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसी हमें तहरीर प्राप्त होती है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। न्यूज जंक्शन पर देखें ये स्पेशल रिपोर्ट। ऐसा हो सकता है, लेकिन अब हम लोग सब कुछ करने के बाद विवादित हैं। कल और कल हमारी स्थिति हो कि हम आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, भैया हमारी जान बचे पहले, स्थिति ना हो। मैं डिपेंड नहीं है आपकी, तो होगा ये मोने तो उसमें बता दीजिए यार, दो ही लोग हैं ज्यादा दूर हैं, लोग बता दीजिए। आप इसमें कुछ हो, हमें कोई इससे हो नहीं है, ये दोनों अपने ठीक रहते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बात तक भी पूजा कौन लगती है आपके? मेरी बहन है जी, सिस्टर है मेरी छोटी जी। आपके से फोन पर कब बात हुई थी? कल बात करी थी इन्होंने मम्मी से। कोई घर पर लड़ाई झगड़ा बता रहे? कुछ नहीं जी, किसी भी तरह का आप कानूनी कार्रवाई किसी तरह की चाहते नहीं? हम नहीं चाहते जी।